देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल वह 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं और उनकी नेटवर्थ एक बार फिर से 100 अरब डॉलर पार कर गई है। 65 वर्षीय अंबानी अपने पिता धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद 6 जुलाई 2002 को रिलायंस की कमान अपने हाथों में ले ली थी और इसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज यह देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी बीते कुछ समय से 10वें और 11वें पायदान पर पहुंच गए थे, जबकि इसमें शामिल दूसरे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी उनसे काफ़ी आगे चल रहे थे। लेकिन एक बार फिर मुकेश अंबानी ने लंबी छलांग लगाई है और गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। 101 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सूची में 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने फिर से एक बार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुकेश अंबानी का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। उनके पिता दिवंगत धीरू भाई अंबानी जहां रिलायंस इंडस्ट्री को छोड़कर गए थे, वहां से अंबानी कंपनी को ऐसे मुकाम पर ले गए जहां देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उससे काफ़ी पीछे रह गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।